वेलकम टू माई चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ जैसे कि मैं बनाती हूँ घर में करेले गोश्त। करेले मैंने लिए हैं, तकरीबन मेरे करेले हैं 400 ग्राम्स के लगभग हैं, आधा किलो के करीब है, ठीक है। और आधा किलो के करीब ही मेरा जो मैंने मटन लिया है वो है। आप बीफ में भी बना सकते हैं, लैम में भी बना सकते हैं। तकरीबन टोटल मैंने 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसमें से आधा मैंने रफली कट कर लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ प्रेशर में, ठीक है। साथ मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन ये 8 से 10 बड़े जवे हैं, आप एक गार्लिक पाउडर ले सकते हैं। और साथ मैंने 2 बिग साइज के टोमेटोज लिए हैं, उनको इस तरह से स्लाइस कर लिए, इनके छिलके उतार लिए हैं। आप चाहें तो छिलके उतार लें, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और जिंजर मैंने लिया है पेस्ट की शक्ल में, आप क्रश भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उसको यूज करें जिंजर को। ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है। साथ मैं डाल रही हूं इसमें गोश्त, तकरीबन आधा किलो मैंने बताया आपको। 1 टीस्पून क्यूमन सीड यानी कि जीरा है, 1 टीस्पून साल्ट है और टू दी टेस्ट 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और टू दी टेस्ट, और 1/4 टीस्पून टर्मरिक है यानी कि हल्दी, और इसको आप टू दी टेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। नमक और मिर्च को मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाल दी है, साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच दही, योगर्ट 2 टेबलस्पून। वो मैं इसलिए डाल रही हूँ कि किसी किस्म की कोई स्मेल ना रह जाए गोश्त में, दही ऐड करती हूँ। दही ना हो तो 1 टेबलस्पून विनेगर आप भर के डाल सकते हैं, जिससे वो जब भूनेंगे तो वो वेपरेबल हो जाएगा यानी कि उड़ जाएगा। गोश्त मेरा छोटे बकरे का है, अगर आप जैसे कि बड़ा बकरा होता है अगर आप बुचर से लेते हैं तो वो आपको बता देता है। मेरा जो मटन था वो ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं 5 मिनट का दूंगी, आप 7 मिनट का दे सकते हैं। अभी मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ, तकरीबन आधा कप पानी में एहतियातन डाल रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज जरूरत नहीं है 5 मिनट के प्रेशर में, लेकिन मैं एहतियातन डाल देती हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इसको एक दफा मिक्स करूंगी अच्छे से, और अब मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ। ये हमारा सेकेंड स्टेप है जिसमें मैंने ऑयल यूज करना है, तकरीबन मैं खुला थोड़ा सा इसमें ऑयल डलेगा, तकरीबन मैंने 1 कप लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम है, ठीक है, जितने आपके करेले हों उसके हिसाब से। मैंने इनको अच्छी तरह से छील के थोड़ा सा नमक लगा के, 1 चम्मच नमक लगा के अच्छी तरह रख दिया था आधा घंटे के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से मसल के इनको वॉश करके क्लीन किया है, अच्छी तरह से धो लिया है और पानी निचोड़ लिया मैंने। और आपने तेल गरम करना है और फिर इसको बीच में डालना है, ठीक है। और यही तेल जो है इसका हम गोश्त में भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस तरह से, ये थोड़े अभी आपको लग रहे हैं कि तेल कम है इसमें, लेकिन ये काफी हो जाएगा, अभी ये छुकड़ते जाएंगे बिल्कुल। ये देखें आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद ये इस तरह से फुली डिप हुए हैं, आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है और बिल्कुल सही कुक हो रहे हैं, इसके अंदर फ्राई हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कि अब ये क्रिस्पी से हो रहे हैं। फ्लेम मैंने लो कर दी है बिल्कुल आपको दिखाने के लिए कि बस ये हो चुके हैं। अब मैं इसको आराम से बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखें मैंने अब इसको उतारा था प्रेशर से आफ्टर 5 मिनट्स, पानी आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसके अंदर है, ये अभी इसके अंदर ही खुश्क हो जाता है और इसको अच्छी तरह से फिर मैं भूनती हूँ। और मैंने करेले साथ फ्राई जो किए थे आपको दिखाए हैं, ये प्रेशर पे था और मैंने करेले फ्राई किए थे, उसका जो ऑयल है मैं अब इसके इसमें ऑयल डालूंगी, ठीक है। ये देखें जो ऑयल बचा था वो आप सारा इसमें डाल दें, ठीक है। अच्छी तरह से ये भून चुका है, इसको अबाउट 5 से 7 मिनट लगे हैं, ये अच्छी तरह से भून गया है। और मैं इसके साथ यहाँ पे करेले डालूंगी और 1-2 मिनट इसको भी मैं फ्राई कर लूंगी साथ ही। और साथ ही मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम
गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ. इसकी रेसिपी जो मेरा मेथड है इसको बनाने का वो मैं आपको बता चुकी हूँ. ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक शेयर कर दूंगी. अब यहाँ पे मैंने तकरीबन एक दो मिनट इसको भी भून लिया है और अब मैं इसमें हल्का सा आपने पानी का छींटा देना है, यानी कि क्वार्टर कप से भी थोड़ा आपने इसमें पानी ऐड करना है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है. और साथ ही मैं इसको दम पे रखूंगी. अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए सिमर करूंगी. ये देखें अबाउट 10 मिनट्स मैंने इसको सिमर किया है और जितना पानी है इतना काफी है. इसी में मैं प्याज जो बाकी बचा हुआ था डेढ़, उसको मैंने फाइनली स्लाइस किया है और साथ दो से तीन हरी मिर्चों के मोटे चंक्स इसलिए रखे हैं कि जिसको नहीं खाने वो आराम से निकाल सकते हैं. अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है. अब मैं इसे सिमर कर रही हूँ फॉर अबाउट 5 मिनट्स. दम पे रखना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसको फाइनल लुक देती हूँ. प्रेशर में से मैंने निकाल लिया था क्योंकि मेरा सालन बहुत ज्यादा नहीं था, तो मैंने छोटे बर्तन में इस तरह से निकाल के तो मैं अब इसको दम पे रख रही हूँ. और इसी स्टेज पे हम इसका नमक मिर्च भी चख लेंगे कि अगर कुछ कमी ज्यादती होगी तो यहाँ पे आपने इसे पूरा कम्प्लीट कर लेना. हमारा जबरदस्त सा करेले गोश्त रेडी है. तमाम टिप्स के साथ मैंने आपको इसका तरीका बताया है और ये सबसे आसान तरीका है और बहुत ही माशाल्लाह मजे के बने हैं. नमक मिर्च मैंने चख लिया था, बिल्कुल ठीक था. आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा रोटी के साथ और या पराठे के साथ. मेरे चैनल पे और बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप उनको भी ब्राउज करके देख सकते हैं. और इंशाल्लाह मजीद अच्छी रेसिपीज के साथ आऊंगी. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.